राज्य के 1,21,00,000 राशन कार्ड बिना ई केवाईसी के हैं, जिससे कि ये चिंताजनक हालत बनी हुई है। बता दें कि राज्य के 8.71 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 1.21 करोड़ यानी कि 14% के नाम कटने का खतरा मचा रहा है। अभी तक इन कार्ड धारकों ने केवाईसी नहीं कराई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि 30 जून तक केवाईसी नहीं कराने वाले कार्ड धारकों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा, यानी उन्हें राशन आवंटित नहीं किया जाएगा। दरअसल सरकार का मकसद है कि सही लाभुक तक मुफ्त राशन का लाभ पहुंचे, इसके साथ ही फर्जी नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सके। कोई राशन कार्डधारी देश के किसी भी कोने से राशन का लाभ ले सकता है। बता दें कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया 2019 से चल रही है। पॉस मशीन लगने के बाद इसका काम जोर पकड़ लिया, लेकिन ऑनलाइन कैसे लिंक कराएं ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से इसे लिंक करवाना है। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वेबसाइट खोलें, आधार को वर्तमान कार्ड से जोड़ने का विकल्प चुनें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर दें। इसके बाद सबमिट करने का विकल्प चुनें और सबमिट कर दें। मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे भी दर्ज कर दें। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके पास SMS भेजा जाएगा। बता दें कि ऑफलाइन के लिए क्या है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो प्रमाण पत्र की मूल और छाया प्रति दोनों लेकर नज़दीक की PDS दुकान पर जाएं। दूसरी बात कि PDS दुकानदार आधार कार्ड की वैधता की जांच के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणित करवाएगा। तीसरी बात कि प्रक्रिया समाप्त होते ही आपको एक SMS अलर्ट भी मिलेगा। अब ऐसे में ये जानना बेहद दिक्कत है कि KYC नहीं कराने के बाद दिक्कत कहाँ आ रही है और आधार से जोड़ने का इसके पीछे मकसद क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। कई गरीबों का आधार कार्ड अभी भी नहीं बन पाया है। आधार है तो कई लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। नौकरी पेशा या ज़्यादा आय वाले आधार लिंक नहीं करा रहे। एक से ज़्यादा राशन कार्ड वाले आधार लिंक नहीं करवा रहे। इस तरह के दिक्कतें आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आधार से जोड़ने का मकसद क्या है। तो राशन बांटने में होने वाली धांधली रोकी जा सके, बायोमेट्रिक से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान होगी, गैर कानूनी तरीके से बने राशन कार्ड बंद हो जाएंगे, लाभुकों को सही मात्रा में राशन मिल सकेगा, एक से अधिक राशन कार्ड नहीं बन सकेगा, इसलिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। बता दें कि सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के हैं विनय कुमार। उनका कहना है कि 31 मार्च से समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अभी तक 14% कार्डधारियों ने KYC नहीं कराई है। लाभार्थियों की सूची में नाम बनाए रखने के लिए उन्हें आधार से नाम जुड़वाना होगा। तो बता दें कि 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए तो आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। मुफ्त राशन के साथ अन्य योजनाओं से भी आप वंचित हो जाएंगे। KYC की प्रक्रिया 2019 से चल रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द आप अपने आधार से इसे जोड़ लें और ऑनलाइन लिंक कैसे करें ये भी हमने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है। तो जिन लोगों ने यानी कि अब जो 14% लोग हैं उनका नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है, अभी तक इन कार्ड धारकों ने KYC नहीं कराई है, तो ऐसे में अब उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि 30 जून तक KYC नहीं कराने वाले कार्ड धारकों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और आप जो तमाम तरह की योजनाएँ हैं उससे वंचित भी हो जाएंगे।